गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग ऑल गुड इवनिंग मिथिला गुड इवनिंग साक्षी चैताली श्रेया जानवी गुड इवनिंग वैष्णवी गुड इवनिंग आर्यन स्वाति गुड इवनिंग ऑल आई एम ऑडिबल ऑल ओके ग्रेट चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं ओके चलो तो देखिए बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं और आज हम लोग बेटा एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और काफी अच्छा चैप्टर जो है बेटा ये है हमारा दैट इज बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन फर्स्ट लेक्चर जिसमें आज हम लोग यहाँ पर टोटल इससे रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम लोग आज के सेशन में जो है हम देखने वाले हैं। ओके okay, तो आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो भी पार्ट का स्टडी किए एक बार वो सारी चीजों को जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे का सारा पोर्शन जो है हम कंटिन्यू करेंगे गॉट इट चलो तो देखिए बेटा यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी पोर्शन स्टडी किए हैं जिसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है और इस पर्सन की यदि हम बात करें तो इस पर्सन का जो लाइफ एक्टिविटी है क्या चीज लाइफ एक्टिविटी की हम बात करें लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए किस चीज का नीड होता है एनर्जी का वेरी गुड क्या चाहिए इसको इसको चाहिए एनर्जी ओके okay. अब यहां पे जो एनर्जी इसे चाहिए तो एनर्जी कहां से आएगी तो ऑब्वियसली जैसे कि सपोज ये जो प्लांट है प्लांट जो है सन से एनर्जी लेगा यहां पे उसमें एक प्रोसेस होगी जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और इस ग्लूकोज को यदि एक पर्सन जब कंज्यूम करेगा तब जाके उसकी बॉडी में जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ठीक है तो सबसे पहले तो इसे इस पर्सन को क्या बेटा फूड कंज्यूम करना पड़ेगा बट सिर्फ फूड कंज्यूम करने से एनर्जी नहीं बन जाती है ठीक है इस फूड के साथ ही साथ इस फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या चीज चाहिए ऑक्सीजन चाहिए समझ रहे हो तो अब ये जो ऑक्सीजन जो है इसे कैसे मिलेगा तो ऑक्सीजन जो है इस पर्सन को जो कंज्यूम होगा वो कहां से होगा तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए बेटा अब तक के जो कंसेप्ट समझे हैं फूड और ऑक्सीजन को लेने के लिए तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस तरह से एक पार्ट स्टडी किए थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझे बेटा इस तरह से ये हमारा लंग्स हो गया लंग्स के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया ये हो गया ब्लड तो इस तरह से लंग्स और ब्लड के बीच में यहां पे क्या होगा गैसियस एक्सचेंज होगा होगा ना तो ये जो गैसियस एक्सचेंज जो होगा तो ऑक्सीजन जो कि लंग्स में प्रेजेंट है लंग्स की ऑक्सीजन जो है वो कहा चला जाएगा हमारे ब्लड में चला जाएगा ठीक है इसी के साथ साथ हम लोगों ने अगेन एक और कंसेप्ट स्टडी किए हैं अब वो कंसेप्ट हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी किए हैं क्या देखे हैं हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे थे इस तरह से हमारा ये स्टमक हो गया ये हो गया क्या चीज स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे प्रेजेंट थी माइक्रोविलाई जिसने फूड को एब्जॉर्ब किया यहाँ पे प्रेजेंट था लीवर ठीक है और लीवर के बाद अल्टीमेटली फाइनली यदि हम देखे तो ये भी जो कनेक्टेड था किससे कनेक्टेड था हमारा इस तरह से ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स हो गई इस तरह से तो यहां से भी जो फूड है वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा फूड डायरेक्टली ये फूड भी हमारे इस तरह से ब्लड वेसल्स में आ गया अब जब हमें नीड है फूड की जब हमें नीड है ऑक्सीजन की तो इस तरह से फूड और ऑक्सीजन ब्लड में तो चला गया है बट ब्लड के साथ ही साथ अब यहाँ पे ये जो है हमारा बॉडी सेल्स या फिर हमारा ये टिश्यू है ठीक है तो इस तरह से ये हमारी जो है बॉडी सेल्स है हमारा ये जो है ये क्या है टिश्यू है और इस बॉडी सेल्स और टिश्यू को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए ठीक है इस बॉडी सेल्स और टिश्यू को क्या चाहिए साथ ही साथ उसको फूड चाहिए ठीक है तो ये कहां से आएगा तो ये कहां से आएगा बेटा तो इधर से बेटा ऑक्सीजन और इधर से फाइनली फूड इस सेल तक के पहुंचेगा ठीक है और ऑक्सीजन और फूड जब इस सेल तक के पहुंचा तो अभी हम एक सिंगल सेल को लेके समझेंगे ये हमारी एक सिंगल सेल है तो इस सेल में फाइनली क्या होगा जब इस सेल में यदि ऑक्सीजन आ गया और फूड यदि यहां पे पहुंच गया तो यहाँ पे उसका होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोड्यूस होगा क्या चीज एटीपी क्या होगा यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहां पे होगी समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं स्वाति को साउंड प्रॉब्लम है बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखो एक बार रिस्पॉन्स करेंगे क्या क्या देखे बेटा हमने यहां पे हम लोगों ने देखे बेटा बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है एक बार रिज्वाइन कर लो यहां पे बेटा मैंने आप लोगों को जो कंसेप्ट समझाया एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं क्या बताया मैंने देखा बताया ये एक पर्सन है ये पर्सन तेजी से दौड़ रहा है ये जो भी काम कर रहा है उसकी लाइफ एक्टिविटी जो हो रही है उसके लिए उसको चाहिए एनर्जी और एनर्जी का जो फॉर्मेशन जो होगा ठीक है तो उसके लिए इस पर्सन को क्या चाहिए बेटा फूड का कंजप्शन करना होगा फूड कहां से मिलेगा तो इसको बेटा फूड जो है वो तो मिल गया बेटा प्लांट से डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से उसने फाइनली वो जो फूड था उसको एब्जॉर्ब किया तो फूड जो है कहां गया उसके ब्लड में गया फिर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो ये ऑक्सीजन भी जो है विद द हेल्प ऑफ क्या कह सकते हैं हम लोग लंग्स ठीक है ब्लड में क्या पहुंच गया ऑक्सीजन पहुंच गया अब यहां पे देखिए सिर्फ क्या यही तक के सफिशियंट है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपना काम कर दिया फूड जो है वो ब्लड तक पहुंचा दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपना काम कर दिया ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पहुंचा दिया आगे का काम अब जो है यदि इस सेल्स और इस टिश्यू को एनर्जी चाहिए तो यहां तक के जो भी फूड और ऑक्सीजन इसको पहुंचा के देना है उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो क्या है बेटा वो है हमारा ब्लड तो इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन क्या होता है जो कि हमारा चैप्टर एटीन एनसीआर इलेवेंथ बायोलॉजी का ये चैप्टर है जो हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं ओके चलो तो हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन पार्ट है जो मेन कंसेप्ट है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है ओके okay. यहाँ तक क्लियर हुआ हेलो इज इट क्लियर एवरीथिंग इज क्लियर रिस्पॉन्स मी क्विकली थर्टी फाइव स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे अकेले किधर है इतने ही है क्या चलो तो फाइनली बेटा क्लियर है तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं ठीक है वो क्या है संकेत बेटा रिवाइज हो जाएगा डोंट वरी टेंशन ना लो अभी मैं यहाँ पे सारी चीजें रिवाइज कर दे रहा हूं हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या देख रहे हैं हम लोग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अब ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें हम लोगों को जो भी कंसेप्ट देख रहे हैं थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूं पहले ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो बीच में कंटेंट को देखने में ठीक है बहुत सारे चैट आ गए जस्ट वेट चलो तो यहां पे क्या चीज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यदि हम देखे तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन रोल जो प्ले हो रहा है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो है ट्रांसपोर्ट करना क्या है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट क्या कह सकते हैं हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया है डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड जो है वो एट बाहर से लेकर के आपके ब्लड तक पहुंचा दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन जो है बाहर से लेकर के आपके ब्लड तक पहुंचा दिया है अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम मीनस ये होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है ये ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांस्पोर्ट सिस्टम यदि आपको ऑक्सीजन चाहिए जो कि एटमोस्फियर में है और आपको ग्लूकोज चाहिए जो कि बाहर है इसको अल्टीमेटली आपके यदि एक सिंगल सेल तक के पहुंचाना है तो ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि ये मेरे सेल को यहाँ पे एनर्जी चाहिए ए आर आजा ले फूड खा ले ऐसा होता है कि बेटा नहीं ये बेटा जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते ना उसमें ऐसा एक्सचेंज हो जाता है डायरेक्टली बट हमारे बॉडी में ऐसा नहीं होता है हमारे बॉडी में ना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है तो इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये ऑक्सीजन और जो फूड है उसे इस सेल तक के ट्रांसपोर्ट करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम ने यहां पे कर लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम ने फूड को हमारे बॉडी में हमारे ब्लड तक पहुंचा दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम इन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इस सेल तक के इस फूड को और इस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा जिससे क्या होगा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा ठीक है समझ में आ गया बेटा मैं विजिबल नहीं हूं दिखाई दे रहा हूं कि नहीं आप लोगों को अच्छा मैंने स्पॉटलाइट नहीं किया वहां जस्ट वेट ओके बेटा वेट करो मैं अभी कर दे रहा हूं अभी अभी आ गया ठीक अभी दिखाई दे रहा हूं क्लियर है ना सारी चीजें ओके ग्रेट ब्लर हूं क्या हाँ हम लोग क्या देख रहे हैं हम यहां पर हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका रोल क्या है तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज व्हाट क्या है ये तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है ये प्रेजेंट है हमारे एटमोसफियर में कहा प्रेजेंट है ऑक्सीजन हमारे एटमोसफियर में और एनर्जी जो चाहिए वो कहा चाहिए ये पर्टिकुलर इस सेल को एनर्जी चाहिए इस सेल तक के हम लोगों को इस ऑक्सीजन को पहुंचा के देना पड़ेगा ठीक है तो ये कैसे पॉसिबल है तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया है तो ये पॉसिबल ऐसे हुआ कि सबसे पहले तो यहां पे हमारा एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म एक स्पेशल टाइप का सिस्टम काम किया जिसे हम क्या कहते हैं पहली चीज तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या किया रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसकी हेल्प से ऑक्सीजन जो है इसका ट्रांसपोर्ट हुआ है बट ट्रांसपोर्ट के पहले ऑक्सीजन का क्या होगा एक्सचेंज होगा क्या होगा एक्सचेंज होगा कहां पे होगा एक्सचेंज ये एक्सचेंज होंगी सबसे पहले एक तो हमारा क्या आएगा ब्लड और दूसरा एलवेलाई ऑफ द लंग्स ठीक है इस तरह से तो ऑक्सीजन आने के बाद फिर इसका क्या होगा अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होने के बाद फाइनली ये जो है ये कहां पहुंचेगी हमारी एक सेल तक के पहुंचेगी ठीक है तो अब इस सेल्स तक के ऑक्सीजन आ गया सेम मेथड यहां पे ये एक सिस्टम काम किया एनर्जी चाहिए हमको सेकेंड सिस्टम यहाँ पे जो काम किया वो क्या था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से ठीक है इस तरह से हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से भी यहाँ पे सेम फंक्शन हुआ है क्या हुआ बेटा यहाँ पे ये जो फूड है ये फूड जो है ये आ गया है और यहां से इस फूड से जो है मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के फूड जो है अल्टीमेटली इस सेल तक के पहुंच जाएगा पहुंच गया समझ गए तो इस तरह से यहां पे ये फूड पहुंच गया फूड पहुंचने के बाद अब यहां पे मेन मैकेनिज्म होंगी जिसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन जिसकी वजह से यहां पे बनेगा एटीपी, ओके बट एटीपी बनाने वाला प्रोसेस अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है वो क्या है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हम लोगों को यहां पर स्टडी करना है तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग जो यहां पर स्टडी कर रहे हैं इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन इसका रोल क्या है ठीक है तो अब यहाँ पे जो है बेटा ये जो सिस्टम जो है जिसका यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो रोल है ठीक है ये कर क्या रहा है वो हम देखते हैं ठीक है तो अब देखिए यहां पे फाइनली हम लोग क्या चीज ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसे हम देखेंगे तो इसके हम लोग फंक्शन देखेंगे फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं यह हम समझेंगे ओके okay. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का यदि हम फंक्शंस देखे तो पहली चीज तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना ठीक है थोड़ी देर पहले देखे हमने तो फंक्शन नंबर वन क्या आएगा बताओ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे तो देखिए बेटा जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सेल है ठीक है इस तरह से ये है सेल जब यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होने वाला बताओ ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हुआ अब कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां पे प्रोड्यूस हुआ ठीक है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है सेल से कहां पहुंचा दिया जाएगा बताओ। तो हमारे इस ब्लड में पहुंचा दिया जाएगा पहुंच गया ब्लड में अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में आया है अब ये ब्लड की हेल्प से अभी हमारे लिए हार्मफुल है तो हार्मफुल होने की वजह से इसको फाइनली अल्टीमेटली कहां पहुंचाना पड़ेगा बताओ हमारे लंग्स तक के और उसको वहां से बाहर निकाल देना पड़ेगा और इसी तरह से हम लोगों ने बेटा यहां पे अगेन एक और चीज हमारे इस लंग्स में जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इस ऑक्सीजन को हमारे इस तरह से ब्लड में ला करके उस सेल तक के पहुंचाना है तो पर्टिकुलरली उस टारगेट सेल तक के ऑक्सीजन को हमें पहुंचाना है तो यहां पे गैस के ट्रांसपोर्ट में क्या चीज बताओ गैसेस ट्रांसपोर्ट में हमारा क्या है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये काम कर रहा है क्लियर हुआ इतना समझा है क्या रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से चलो कंटिन्यू कर रहे बेटा फिर हम यहीं पर जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे अभी तो इसमें देखिए क्या देख रहे थे हम लोग यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट समझ रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि पहली चीज तो कैसे यहां पे क्या फंक्शन होता है तो फंक्शन नंबर वन हमने यहाँ पे जो स्टडी किए वो हमने देखे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में यदि हम इसको देखें तो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी ऐसे हो रहा ना हेलो यदि हम इसे देखें इसके कंसेप्ट को समझे तो यहां पे क्या चीज ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है हमारे लंग्स से बॉडी में ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में फर्स्ट पॉइंट जो हो गया क्या हो गया यहाँ पे ये कैरी कर रहा है क्या कैरी कर रहा है बेटा ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी ऐसे ही होगा सेकेंड अगेन कैरी क्या कैरी कर रहा है बताओ ऑक्सीजन के अलावा कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू लंग्स ऐसे ही होगा तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन ठीक है ये हो गया फंक्शन नंबर फर्स्ट फिर इसके बाद अगेन यदि हम देखें यहां पर तो नेक्स्ट जो है बेटा न्यूट्रिय का भी ट्रांसपोर्ट करता है ये क्या करता है न्यूट्रिय जो है उसे भी ट्रांसपोर्ट करेगा तो फंक्शन नंबर टू सेकेंड फंक्शन हम देखें फर्स्ट फंक्शन जो हो गया क्या हो गया बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सेकेंड फंक्शन की हम बात करें तो क्या आएगा बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ये भी तो है ना इसका फंक्शन तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है किसका न्यूट्रिएंट का तो न्यूट्रिएंट का जो ट्रांसपोर्ट है तो न्यूट्रिएंट का मीन्स वाट क्या कर रहा है बेटा जल्दी से बताओ हमारे जो भी न्यूट्रिएंट जैसे हम फूड जो खा रहे हैं स्पेशली हम ग्लूकोज की हम बात करें तो कहा है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में गट में तो फ्रॉम गट, फ्रॉम गट टू टिश्यू ओके गट से लेकर के हमारे टिश्यू तक के जो न्यूट्रिय का ट्रांसपोर्ट जो है ये भी जो है कौन कर रहा है बताओ किसका रोल है ये भी तो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेरी गुड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही फंक्शन हो गया ये अगेन नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं बताओ इसके बाद नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये ठीक है अब एक्सक्रीशन आप बोलोगे सर ये क्या ये कैसे करेगा तो देखो बेटा हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनेगा ठीक है क्या चीज हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनेगा तो ये जो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यदि हम देखें तो ये हमारे लिए क्या होगा हार्मफुल होगा मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो एमाइनो एसिड बनता है और एमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे यूरिया बनता है समझे तो अब जो हमारा एमाइनो एसिड है या फिर जो यूरिन होता है ठीक है मीन्स यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से यूरिया रिमूव होगा तो यूरिया तो पहले तो हमारे अल्टीमेटली ब्लड में ही रहेगा और ये ब्लड से फाइनली इसे किडनी तक के पहुंचाना है कहां तक पहुंचाना है किडनी तक के तो इसमें बेटा ये ब्लड ही तो हेल्प करेगा मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जस्ट लाइक एज ए कोरियर बॉय ठीक है यदि हम हम सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो जस्ट लाइक पोस्टमैन पोस्टमैन का, का काम क्या है? बताओ डाकिया ये काम करता है ना पोस्टमैन एक जगह से एक चीज को लेकर उसको फाइनली जहां तक के लेके जाना वहां तक छोड़ देता है कॉरियर बॉय यही काम कर रहा है ठीक है तो एज इट इज बेटा यहां पर सेम सॉरी तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट गैसेस ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीशन मतलब हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है? हेल्प कर रहा है इसके बाद हमारे जो हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होता है तो हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होगा ठीक है अब हार्मोन का ट्रांसपोर्ट यदि हम देखे तो बताओ हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा बताओ जल्दी से बेटा देखो आपको मालूम है हमारा ये जो ब्रेन होता है ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कहते हैं इसे इस तरह से हमारा ब्रेन है ये यहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वेरी गुड अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने सपोज कोई एक हार्मोन सिक्रेट किया जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है तो ये ये डायरेक्टली काम कहां पे करता है ओवरी में और ओवरी का लोकेशन क्या है बताओ ये हमारे पेल्विक रीजन में होता है तो इस पेल्विक रीजन तक के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पहुंचाना है अपने आप तो जाएगा नहीं समझे तो अब इस हार्मोन को हमें यहां से यदि यहां तक के पहुंचाना है तो ऑब्वियसली ब्लड की हेल्प लेनी पड़ेगी लेना पड़ेगा ना तब के तो पहुंचेगा वो समझे तो इस तरह से हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट है एक जगह से जो भी हमारा टारगेट टिश्यू है वहां तक के पहुंचाने में भी हमारा ये जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है समझ गए इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम देखे तो यहां पे बेटा हमारा जो हार्मोन का जो ट्रांसपोर्ट होता है क्या चीज जो हार्मोन तो देख लिया ना हमने हार्मोन के बाद नेक्स्ट बेटा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसका मेंटेनेंस जो है उसमें भी हेल्प करेगा ठीक है क्या करेगा ये ये मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर अब बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेगा बताओ अब देखो ब्लड का फ्लो हो रहा है ना एक जगह हीट है एक जगह कूल है तो हीटनेस और कूलनेस दोनों चीजों को वो मेंटेन करेगा तो इस तरह से जब फ्लो होता है तो ये ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन दोनों मैकेनिजम्स में काम करता है समझे और साथ ही साथ बेटा हमारे डिफेंस सिस्टम हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करता है किसमें हमारे इम्यूनिटी जो है इसमें भी हेल्प करता है हमारे बॉडी को डिफेंस जो है ये प्रोवाइड करता है डिफेंस कैसे प्रोवाइड करेगा तो डिफेंस जो प्रोवाइड होगा वो कैसे होगा तो डिफेंस मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लड है ब्लड में प्रेजेंट होता है डब्ल्यू क्या होती है बेटा ब्लड में हमारे डब्ल्यू प्रेजेंट होता है और डब्ल्यू जो होती है बेटा ये एक फैगोसाइटिक सेल्स है ये पैथोजन जो होते हैं ये पैथोजन को क्या करता है बेटा किल करता है पैथोजन मींस बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है तो ये जो पैथोजन है उसे क्या करता है किल करता है तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझे तो इस तरह से यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है हार्मोन और रिमूव कर रहा है वेस्ट हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट उसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम तो अब एक काम करते हैं हम सबसे ऊपर में सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन लिख लेते कहां से चालू किए थे हम लोगों ने देख लेते एक बार तो हम लोगों ने देखो बेटा यहां पे देखे थे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ओके okay. तो इस तरह से हमने लाइफ एक्टिविटी में एनर्जी चाहिए ये देखे फिर यहाँ पे लंग्स में एयर का और डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का एक्सचेंज हो रहा है अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है ये तो अल्टीमेटली ये हमारे कहा पहुंचा बेटा सेल्स तक के पहुंचा सेल्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीडेशन हुआ जिससे बनी एनर्जी तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स वाट क्या होता है तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो एक काम करते हैं हम लोग यहीं पर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसका एक डेफिनेशन जो है वो लिख लेते हैं समझे तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का यदि हम डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन बनेगा बताओ चलो आप ही लोग बताओ क्या बोलेंगे एक सिस्टम ठीक है क्या आ जाएगा बेटा सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है और क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है जल्दी बताओ और क्या है हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है ओके देन फाइनली रिमूव कर रहा है क्या रिमूव कर रहा है रिमूव कर रहा है जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है तो इस तरह का एक जो सिस्टम है इस सिस्टम को कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहेंगे इस टाइप के सिस्टम को इस टाइप का जो सिस्टम है ये कहलाएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया डेफिनेशन समझ में आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है क्लियर हो गया तो इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन बन गया ओके चलो तो अब हम एक काम करते हैं टाइप्स हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके टाइप्स क्या होते हैं यही पे देख ले थोड़ा छोटा कर लेते हैं पहले उससे हमको समझेगा कि जो पार्ट हमने क्या क्या देखे यहां तक क्लियर हो गया बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन देख लिए उसके सारे हम लोगों ने टाइप्स क्या होते हैं ये भी देख लिए ठीक है मतलब फंक्शन हमने देखे अब इसी फंक्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके क्या देखेंगे टाइप्स देखेंगे ओके okay. hmm. अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के देखते हैं क्या चीज बेटा टाइप्स टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यहां तक के समझा ना किसी को कुछ पूछना तो नहीं है हेलो रिस्पॉन्स में क्विकली क्लियर हो गया चलो वेरी गुड तो अभी हम यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके क्या देखेंगे बेटा टाइप्स देखेंगे ओके तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है जनरली टू टाइप का होता है एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा ये तो इसमें हम लोग देखे यदि इसका टाइप्स तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि एक होता है कैसा ओपन और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अब ये ओपन और क्लोज मींस क्या होता है वो हम देख लेंगे एक्सक्रेशन वाला पार्ट रिपीट करना है हाँ बेटा रेली एक्सक्रेशन वाला पार्ट रिपीट कर देता हूं जस्ट वेट ठीक है तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ठीक है तो एक तो ये हो गया कैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा कैसे हो गया क्लोज तो ओपन व्हाट? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मींस इसमें कोई भी जो ऑर्गन है ठीक है हम किसी भी एनिमल के जो ऑर्गन होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होंगे ठीक है ऑर्गन जो रहेंगे वो कैसे होते हैं डायरेक्ट जो है ये होते हैं ब्लड के कांटेक्ट में ठीक है अब ब्लड के कांटेक्ट में कैसा तो इस तरह से देखो ये ऐसा एक ओपन स्पेस है ठीक है ये सपोज एक ऑर्गेनिजम्स है और इस ऑर्गेनिजम्स में यदि हम देखें तो इस तरह से ये एक ओपन स्पेस है ठीक है क्या प्रेजेंट है इस तरह से ये जो हो गया ये हो गया एक ओपन स्पेस यहां पर प्रेजेंट है अब ये जो ओपन स्पेस जो है ये मार्कर से चल नहीं रहा हाँ तो ये जो ओपन स्पेस जो यहां पर प्रेजेंट है इस ओपन स्पेस को या फिर बॉडी कैविटी जो होती है इसे हिमोसिल कहते हैं ठीक है ओपन स्पेस या इसी को क्या कह सकते हैं बेटा बॉडी कैविटी इसी बॉडी कैविटी को क्या कह सकते हैं हिमोसिल क्या कहेंगे इसे इस बॉडी कैविटी को हिमोसिल अब ये जो बॉडी कैविटी है यदि इस बॉडी कैविटी में यदि हम कुछ ऑर्गन देखते हैं क्या चीज यदि यहाँ पे कुछ ऑर्गन देखते हैं तो सपोज ये एक्स वाई जेड टाइप के यहाँ पे ये ऑर्गन है अब ये जो ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट है तो यही ऑर्गन जो है यहां पे ये यह डायरेक्टली क्या कह सकते हैं बेटा इस तरह से ये ब्लड है ये क्या दिख रहा है आपको ये ये ब्लड है तो ये ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में है ये समझे ये जो भी ऑर्गन है ये डायरेक्टली क्या हो गया ये ब्लड के कांटेक्ट में है तो अब जब डायरेक्टली ये ब्लड के कांटेक्ट में जब ये ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट है तो इनको किसी भी टाइप के सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करना है तो ये डायरेक्टली यहां से क्या है जो भी सब्सटेंसेस है इजिली एक्सचेंज कर लेंगे समझ गए क्लियर हो गया ठीक है तो इस तरह से बेटा ये ओपन स्पेस जो बॉडी कैविटी है ऑर्गन डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसी भी टाइप का क्लोज वेस्कुलर सिस्टम आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में यदि हम देखें तो जो फ्लो होता है किसका बेटा बॉडी फ्लूड का वो कैसा हो रहा है डायरेक्ट हो रहा है कैसा हो रहा है डायरेक्ट हो रहा है लेकिन क्लोज वेस्कुलर सिस्टम हम देखें क्लोज में क्या आएगा बेटा यहां पे जो फ्लो होगा किसका बेटा बॉडी फ्लूड का और बॉडी फ्लूड मींस व्हाट यहां पे किससे रिप्रेजेंट है बॉडी फ्लूड बॉडी फ्लूड क्या होगा बताओ ब्लड आएगा ठीक है बॉडी फ्लोर ऑब्वियसली ब्लड रहेगा हमारे इसमें ठीक है वहां पे जो था वो क्या था हिमोलिम था तो बॉडी फ्लूड का जो फ्लो होगा तो इसके लिए बेटा एक क्लोज वेस्कुलर प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है क्लोज वेस्कुलर सिस्टम क्लोज ट्यूब का नेटवर्क यहां पर प्रेजेंट होगा ठीक है क्लोज ट्यूबुलर नेटवर्क यहां पर प्रेजेंट होगा जिसकी हेल्प से इस तरह से अल्टीमेटली क्या बेटा ये फ्लो हो रहा है दिखाई दे रहा है इस तरह से यहां ट्यूबुलर सिस्टम बन गया अब ये जो क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम यहां पे जो फॉर्म हुआ है तो इस तरह से यहां पे ये क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम में जो भी न्यूट्रिएंट है ये ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ट्रांसपोर्ट होने के बाद फाइनली अब क्या होगा बताओ ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो भी ऑर्गन प्रेजेंट है तो यहां पे देखो ये जो ऑर्गन यहां पे जो भी प्रेजेंट रहेंगे तो क्या होगा तो ये जो भी ऑर्गन यहां पर प्रेजेंट है तो यहां पे पहली चीज तो सबसे पहले जैसे कि सपोज ये एक ऑर्गन है ठीक है ये क्या है ये एक ऑर्गन है तो इस तरह से अभी यहाँ पे जो भी सब्सटेंसेस को पास करना है तो ये जो आ रही थी वो ब्लड वेसल्स थी ब्लड वेसल जो है अभी इस तरह से स्मॉल कैपिलरीज में क्या हो गई कन्वर्ट हो गई छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में क्या हो गया ये कन्वर्ट हो गया ऐसे हो गया कन्वर्ट तो ये जो था ये वेसल्स था एक बड़ा वेसल्स था अब ये जो है स्मॉल वेसल जिसे कैपिलरी कहेंगे किसमें कन्वर्ट होगा कैपिलरी में अब कैपिलरी में कन्वर्ट होने के बाद जो भी सब्सटेंसेस यहां पे जो आ रहे थे वो सब्सटेंस यहां से इस तरह से आए और इस तरह से यहां पे इनके बीच में क्या होगा इनका एक्सचेंज हो जाएगा ऐसे समझे तो अब यहां पे इसको क्या चाहिए बेटा क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है जिसके इनका एक्सचेंज हो रहा है तो इस तरह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये दो टाइप का होता है एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है समझ में आ गया बेटा हेलो रिस्पॉन्स करेंगे हाँ ब्लड वेसल्स जो है ओपन में प्रेजेंट नहीं था बट क्लोज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है साक्षी बेटा कौन सा पार्ट स्लाइड से देखना है बताओ कौन सा दिखाने वाला हूं मैं योगी नहीं समझ में आ गया ओके समझे हेलो रिस्पॉन्स करो या जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो तो इस तरह से हमने बेटा दो सिस्टम यहां पे समझे अभी एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखे और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखे हो गया क्लियर तो अब देखो हम लोग यहां पे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं ओपन और क्लोज में ठीक है किसमें होता है भी तो मालूम होना चाहिए ना ऑर्थोपोडा तो और, तो और मॉलुस्का की यदि हम बात करें क्या चीज यदि हम ऑर्थोपोडा तो की बात कर ओपन तो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एनेलिडा जैसे जिसमें अर्थवॉर्म आता है और हम लोग वर्टिब्रेटा तो एनेलिड्स की हम बात कर सकते हैं किसकी हम लोग यहां पे एनेलिडा और एनेलिडा के साथ ही साथ क्या होगा बेटा वर्टिब्रेटा ओके यार ये मार्कर सही नहीं चल रहा है तो एनेलिट्स और वर्टिब्रेट्स में जो भी सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा बेटा क्लोज होगा ओपन रिपीट करना है ठीक है रिपीट कर दे रहा हूं बेटा साक्षी साक्ष आपने मैसेज भेजे हो मुझे सर ये आप स्लाइड से दिखाओगे क्या तो बेटा ये आपका मैसेज नहीं समझा स्लाइड मींस कौन सा स्लाइड से देखना है और कौन सा पार्ट देखना है रिस्पॉन्स में क्विकली ताकि हम आगे बढ़े ठीक है बेटा साहिल ओपन में रिपीट कर रहा हूं साक्षी करें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आई थिंक शायद वो क्लास में नहीं है

अभी हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं ठीक है सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स में हम लोगों ने यहां पे जो स्टडी किए जिसमें मैंने सबसे पहले आपको ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ये बताया ठीक है अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें पहली चीज तो देखो ओपन मीन्स वाट जिसमें ऑर्गन डायरेक्टली बेटा ब्लड के कांटेक्ट में ऐसे कोई ट्यूब के समान नेटवर्क वहां पे प्रेजेंट नहीं है समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पे जो भी ऑर्गन है यहाँ पे देखो ये जो भी organ है डायरेक्टली बेटा इस तरह से ब्लड के कॉन्टेक्ट में यहाँ पर किसी भी टाइप का क्लोज ट्यूबुलर नेटवर्क नहीं है ऐसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है पानी पीना पी लिए नहीं पीना छोड़ दिए बट यहां पे कोई एक ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट तो है बट इस ऑर्गन के लिए यहाँ पे बीचों बीच में इस तरह से ब्लड आ रहा है और वो ब्लड की हेल्प से ही सब्सटेंस को एक्सचेंज कर पाएंगे दोनों में ये डिफरेंस है तो ऑर्थोपोडा और तो मोलुस्का में इस टाइप का जो है सिस्टम होता है मीन्स ओपन टाइप और एनिलिडा और वर्टिब्रिटा में जो है क्लोज टाइप का सिस्टम होता है समझ गया बेटा चलो आगे बढ़े क्लियर हो गया ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझा चलो तो अब फाइनली हम लोग बेटा ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको हम अब थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ठीक है तो अब हम लोग यहां पे जो है क्या देखेंगे हम लोग अब अब हम लोग देखेंगे यहां पर क्या चीज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है इसको जूम कर देता हूं तो आपको थोड़ा जैसे हम बोर्ड पे देखते हैं वैसा समझेगा ठीक है तो अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये जो है कंसिस्ट होता है क्या क्या आएगा इसमें देखो बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पहली चीज तो इसमें आएगी ब्लड वेसल्स यार ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, ये दूसरा ले लेते हैं ठीक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आएगा बेटा एक तो ब्लड वेसल्स आएगा दूसरा उसमें आएगा हार्ट और उसको पंप करने के लिए इसमें क्या आएगा ब्लड आएगा तीन सब्सटेंसेस जो है चाहिए बेटा समझ गए ठीक है अब यहां पे यदि हम देखें तो जो ब्लड वेसल्स है ब्लड वेसल्स का स्टडी करना क्या कहलाता है कोई बताएगा मुझे स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स मीन्स वाट ब्लड वेसल्स का स्टडी करना क्या है एंजियोलॉजी क्या कहलाता है एंजियोलॉजी हार्ट का स्टडी ये कहलाता है कार्डियोलॉजी और फाइनली ब्लड का स्टडी जो है ये क्या कहलाता है बताओ जल्दी से ब्लड का स्टडी हिमेटोलॉजी क्या कहलाएगा ये हिमेटोलॉजी ठीक है समझा तो यहां पे बेटा हमको ये पार्ट समझना है एंजियोलॉजी कार्डियोलॉजी और हिमेटोलॉजी तो सबसे पहले बेटा यहां पे हम लोग क्या चीज स्टडी ऑफ ब्लड जो है ये पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले स्टडी ऑफ द ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड मीन्स क्या है बताओ जल्दी से स्टडी ऑफ ब्लड मीन्स ये हो गया हमारा हिमेटोलॉजी ठीक है चलो तो हिमेटोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो ब्लड क्या होता है ब्लड के टाइप्स क्या होते हैं ब्लड के फंक्शंस क्या है इसका कलर क्या है ये काम कैसे करता है ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे ठीक है ब्लड का पीएच कितना होता है ब्लड का वॉल्यूम क्या है ब्लड का कलर क्या है ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है ठीक है चलो तो वन बाय वन सारे पार्ट्स को अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्टली बेटा यहाँ पे क्या चीज पहली चीज तो बेटा ब्लड जो है कौन से कलर का होता है बेटा बताओ कलर ऑफ द ब्लड यार सभी लोग जानते हैं तो रेड कलर का होता है क्यों होता है रेड कलर का बताओ क्या रीजन है ब्लड के कलर रेड होने का वेरी गुड यहां पे रेड कलर का ऑक्सीजन कैरियर पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम क्या है हीमोग्लोबिन ड्यू टू तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन यहां पे ब्लड का कलर जो है वो कैसा होगा रेड होता है सेकंड थिंग ब्लड का पीएच कितना होता है ये क्वेश्चन हम लोगों ने पास्टर के क्वेश्चन डिस्कशन में लिया था मैंने बताओ कितना होता है बेटा ब्लड का पीएच 7.4 होता, होता है मीन स्लाइटली अलकेलाइन पीएच होता है पढ़े हैं ना हम लोगों ने याद आ रहा है स्लाइटली अल्केलाइन होता है ओके okay. कितना ब्लड होता है बेटा हमारे बॉडी में वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बेटा ये वेरी करता है मेल और फीमेल में वैरी करता है फीमेल में कितना होगा फोर से लेके फाइव लीटर मेल में कितना होगा फाइव से लेके सिक्स लीटर होता है कैसा ठीक है मिथिला बेटा कौन सा आंसर दे रहे हो आप प्रसाद नहीं बेटा ऑन एन एवरेज बेटा फाइव लीटर होता है ठीक है अब क्यों मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता बताओ वाय वट इज द रीजन बता सकते हैं कोई जल्दी से ओके वेरी गुड बेटा रेली और बाकी लोग हाँ वेरी गुड बेटा आदित्य पोन मेरो से कुछ रिलेटेड है वेरी गुड बहुत सही और एनीमिया नहीं बेटा एनीमिया का रीजन ही नहीं है फीमेल में एनीमिया होता है क्या नहीं बेटा चलो कोई बात नहीं मैं बता देता हूं मेल में ज्यादा ब्लड होने का मेन रीजन जो है वो है टेस्टेस्टेरॉन क्या, क्या होता है जानते हो बताओ टेस्टेस्टेरॉन क्या होता है वेरी गुड मेल सेक्स हार्मोन है और आरबीसी की सिंथेसिस के लिए या फिर ब्लड की सिंथेसिस जो है उसमें टेस्टेस्टेरॉन हार्मोन एक, एक स्पेशल रोल प्ले करता है जो कि मेल में होता है फीमेल में नहीं होता है इसलिए मेल में अमाउंट ज्यादा होता है फीमेल में जो है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो ब्लीडिंग होती है ब्लीडिंग में ऑलरेडी ब्लड पहले लॉस हो जाता है तो ब्लड लॉस होने के वजह से फीमेल में ब्लड कम होता है तो दो रीजन है बेटा मेल में ज्यादा और फीमेल में कम होने के ठीक है तो ये हो गया क्या चीज बेटा ब्लड का जनरल से जो इंपॉर्टेंट टर्म ये हम लोगों ने देखे ठीक अब हम लोग यहाँ पे फाइनली ब्लड के कंपोजिशन पे आते हैं ठीक है इतना पार्ट समझ में आ गया ना मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को क्लियर हुआ यहां तक के सारी चीजें ठीक है अब आपको देखो नोट करने की जरूरत भी नहीं बहुत अच्छे से कलरफुल नोट्स आप लोगों को इस तरह से मिल जाएंगे सारे के सारे ठीक है इसको आप जूम करके पढ़ सकते हो और यही पार्ट हम रिवाइज भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से तो फाइनली अब हम लोग इसके बाद का जो पार्ट देख रहे हैं बेटा ब्लड और ब्लड के कंपोजिशन और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो हम देखेंगे तो ये वाले पार्ट को तो पहले हम क्लोज कर देते हैं इधर से ये वाला पार्ट जो है इधर से क्लोज हो गया हमारा अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे ठीक है मीन्स अब हम लोग यहां पे जो कंसेप्ट देखेंगे कौन सा देखेंगे बेटा अभी हम लोग यहां पर यहां पे अभी हम लोग कंपोजिशन ऑफ द ब्लड जो है वो हम समझेंगे क्या देखेंगे हम अभी हम कंपोजिशन ऑफ द ब्लड ओके स्टडी ऑफ ब्लड खत्म नहीं हुआ बेटा ब्लड की स्टडी तो अभी चालू हुई है बहुत सारा पार्ट पढ़ना पार है हम लोगों को इसमें ठीक है अभी तो बहुत सारा पार्ट अभी स्टडी करेंगे हम यहाँ पर तो अभी हम लोग कंपोजिशन ऑफ ब्लड ब्लड का ही स्टडी है बेटा तो ब्लड का कंपोजिशन अभी हम देख रहे हैं क्या होता है समझ गए तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम जानेंगे प्लेटलेट्स पे पहुंचेंगे बेटा साहिल थोड़ा सा वेट करो वही पढ़ रहे हम लोग अभी तो देखिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो कंपोजिशन ऑफ द ब्लड जो है ये यह हम यहाँ पे जान रहे हैं ठीक है अब ब्लड के कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो बेटा ब्लड जो है ठीक है इसको जनरल टू पार्ट में डिवाइड किया एक तो सॉलिड पार्ट आता है और एक इसका लिक्विड पार्ट आता है ठीक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड हम समझेंगे कंपोजिशन ऑफ द ब्लड में हम लोगों को यहां पे जो इसका कंसेप्ट देखना है उसके कंसेप्ट में हम लोग इसका एक तो कौन सा पार्ट सॉलिड वाला पार्ट पढ़ेंगे और दूसरा इसमें फॉर्म एलिमेंट जिसे सेल्स और सेल्स कंपोनेंट कहते हैं सेल्स या फिर सेल कंपोनेंट जो है ये हम लोग देखेंगे तो सॉलिड पार्ट की यदि हम बात करें ठीक है तो सॉरी वो उल्टा हो गया सॉलिड पार्ट मतलब सेल्स और सेल कंपोनेंट ही होगा दूसरा वाला पार्ट जो है वो आएगा लिक्विड पार्ट ठीक है क्या हो जाएगा दूसरा पार्ट वो आ जाएगा लिक्विड पोर्शन ठीक है कलर नहीं दिख रहा दूसरा ले लेते हैं तो यहां पे क्या हो गया ये हो गया लिक्विड पोर्शन थिकनेस बढ़ाऊ हा तो अभी देखिए बेटा ये जो लिक्विड पार्ट जो होता है इसमें आता है प्लाज्मा ठीक है क्या आता है प्लाज्मा और जो सॉलिड पार्ट आता है उसमें आता है सेल्स जैसे आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट्स तो अब देखो बेटा प्लाज्मा की हम बात करें तो 55 परसेंट जो है लिक्विड पोर्शन मींस प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ठीक है और यदि हम यही चीज हम सेल्स की बात करें तो सेल्स का जो अमाउंट होता है ये कितना होता है फोर्टी होता है कितना होता है 45 अब हम इस प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो इस प्लाज्मा में ठीक है क्या चीज यदि हम इस प्लाज्मा की बात करें तो इस प्लाज्मा में भी दो चीज आती है दो चीज क्या क्या आ जाएगी तो इस प्लाज्मा में पहली चीज तो यदि हम देखें तो इसमें आता है वाटर समझ गए और साथ ही साथ इसमें आता है प्रोटीन जो मेनली प्रेजेंट होते हैं फिर इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी होता है इसमें ठीक है तो अब इस 55 परसेंट को यदि मैं 100 परसेंट मानू और 100 परसेंट जब कंसीडर करूं तो 90 से लेकर के 92 परसेंट जो है ब्लड में प्लाज्मा में वाटर होता है बाकी जितने भी जो डिजॉल सब्सटेंसेस जो होंगे वो होते हैं बेटा कितने परसेंट बताओ एट से लेकर के टेन परसेंट ठीक है हां सिक्स टू एट भी कह सकते हैं ठीक है सिक्स टू एट परसेंट जो रहेगा वो डिजॉल सब्सटेंसेस आएगा समझ में आ गया तो ये हो गया क्या चीज बेटा अब इसमें प्रोटीन कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं तो प्रोटीन के फॉर्म में यदि हम देखे तो इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है ठीक है देर आर मेजर थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ठीक है वन टू थ्री कौन कौन से थ्री प्रोटीन प्रेजेंट है बताओ तो इसमें पहली चीज तो फर्स्ट जो प्रोटीन आएगा वो कौन सा रहेगा बेटा एल्बूमीन क्या होता है एल्बुमिन होता है वेरी गुड ग्लोबुलिन रहेगा ठीक है और ग्लोबुलिन के बाद वेरी गुड क्या आएगा फाइब्रिनोजन रहेगा तो ऐसे ये थ्री टाइप के प्रोटीन्स जो है यहां पर प्रेजेंट होते हैं ठीक है थीके? अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा यदि हम देखे तो सेल कंपोनेंट भी हम समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं तो सेल कंपोनेंट की बात करें तो सेल कंपोनेंट जो है हमारे जो ब्लड है उसमें बताओ कौन कौन सी होती है बेटा आरबीसी आएगा डब्ल्यूबीसी बी सी आएगा और प्लेटलेट्स आएगा किसी ने क्वेश्चन किया था मेरे से थोड़ी देर पहले ठीक है आरबीसी आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा और क्या आएगा प्लेटलेट्स आ जाएगा ठीक है तो आरबीसी को क्या कहते हैं बेटा रेड ब्लड सेल्स ठीक है एरिथ्रोसाइड भी कहते हैं इसे तो क्या हो गया यहां पर आरबीसी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स आएगी ठीक है समझ रहे हो आरबीसी को क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स ठीक है याद रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट है आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं डब्ल्यूसी को क्या कहते हैं बताएंगे कोई याद है किसी को वेरी गुड ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट समझ में आ गया चलो यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या कुछ डाउट है जनरल सी टर्मिनोलॉजी समझ रहे बेटा अभी हम लोग ठीक है कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं देखे ब्लड का कंपोजिशन हम लोगों ने देखी है और इस ब्लड के कंपोजिशन में मैंने अभी आप लोगों को जो भी पार्ट जो एक्सप्लेन किया तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में एक तो लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है लिक्विड पार्ट मीन प्लाज्मा जो कि 55 फाइव परसेंट होंगे सॉलिड पार्ट जो कि 45 परसेंट होता है प्लाज्मा में एक तो वाटर और एक डिजॉल्व सब्सटेंस जिसमें एक टाइप होता है प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अलावा इसमें न्यूट्रिएंट्स आएंगे न्यूट्रिय के फॉर्म में इसमें ग्लूकोज भी आता है क्या आता बेटा ग्लूकोज आता है इसी में मिनरल्स भी होते हैं ये सारी चीजें बेटा प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटीन जो है इसमें एल्बोम ग्लोबेलिन और फाइब्रिनोजन ऐसे थ्री टाइप के यहाँ पे ये प्रोटीन होते हैं फिर सेल्स जो कि फोर्टी फाइव परसेंट होता है इसे फॉर्म एलिमेंट भी कहते हैं क्या कहते हैं इसे फॉर्म एलिमेंट फॉर्म एलिमेंट में आरबीसी आता है डब्ल्यू आता है और प्लेटलेट्स आता है आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यू को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं ठीक है थीके? समझ में आ गया बेटा ठीक बेटा यदि आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम आता है वॉइस में एक्सेस चाहिए होता है तो हैंड रेस कर दिया करो ठीक है फिर मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे दूंगा ठीक है नहीं तो फिर होता क्या है डायरेक्टली परमानेंट ऑन रखेंगे तो किसी ना किसी का माइक ऑन रहता है किसी के घर में टीवी चालू रहता है किसी के घर में मम्मी आवाज देती है किसी के यहाँ पे ब्रदर सिस्टर का झगड़ा होता है आपको भी प्रॉब्लम होगी ना और आपकी वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा ठीक तो आपको वॉइस में एक्सेस चाहिए तो उस टाइम पे हैंड रेस कर कर दो मैं वॉइस एक्सेस अनम्यूट दूंगा उस टाइम के लिए ठीक है चलो तो अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए बेटा हम लोगों ने ये जो प्रोटीन के जो टाइप्स देखे तो इसमें देखिए बेटा अब ये जो प्रोटीन है इनके रोल क्या होते हैं और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कितना अमाउंट होता है वो हम देखेंगे तो यहां पे देखो बेटा एल्बोमिन ग्लोबलेंस और फाइब्रिनोजन देखे तो एल्बोमिन जो है ये सबसे ज्यादा हाइएस्ट अमाउंट में एल्बोमिन प्रेजेंट होता है ठीक है कितना हाइएस्ट अमाउंट यदि देखे तो हाइएस्ट अमाउंट में एल्बोमिन होगा और सबसे लोवेस्ट हम देखें तो सबसे लोवेस्ट जो होता है कौन सा होता है फाइब्रिनोजन होता है ठीक है ये कैसा होता है लोवेस्ट अब इनके हम फंक्शंस देख लेते हैं बेटा वन बाय वन सारे जो हमारे क्या है प्रोटीन है तो इन प्रोटीन के हम लोग फंक्शंस भी देख लेते हैं क्या रोल प्ले कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा हम लोग एल्बुमिन का फंक्शंस देख लेते हैं ठीक है एल्बुमिन का फंक्शंस फंक्शन देख लेते हैं अब इसको एक थोड़ा सा जगह से साइड करना पड़ेगा वरना फिर ये आपको समझेगा नहीं क्या है हाँ तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा एल्बुमिन का क्या रोल है इसका क्या फंक्शन होता है ठीक है तो एल्बुमिन की यदि हम बात करें तो एल्बुमिन जो होता है ये मेंटेन करता है हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस क्या करेगा ये ये मेंटेन करेगा क्या चीज ऑस्मोटिक बैलेंस ऑस्मोटिक बैलेंस मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इसे हम ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी ये मेंटेन करता है कैसे करता है देखो जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लड है ठीक है ये हमारा सेल्स है यदि मान लो ब्लड में मतलब यदि हमने यहां पे देखे कि ये जितना भी जो प्लाज्मा था यहां पर ये सारा इधर बाहर आ गया ठीक है और ये सेल्स तक के गया तो इसमें क्या होता बेटा ये जो वाटर है ये रिटेन द कैपेसिटी ऑफ वाटर ठीक है जितना भी एक्सेस अमाउंट पे वाटर ये वापस से अपने अंदर यदि ब्लड में लाना है तो उसमें बेटा एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उस प्रोटीन का नाम क्या है बताओ उस प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन तो एल्बुमिन जो होता है इस तरह से हमारे ब्लड में जितना अमाउंट में वाटर चाहिए जितना ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है तो उसके मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा समझ में आया क्या होता है एल्बुमिन का रोल नेक्स्ट कौन सा था बताओ नेक्स्ट है तो ग्लोबिलीन ठीक है तो ग्लोबुलिन के फंक्शन देख लेते क्या होते हैं तो ग्लोबिलिन का यदि हम फंक्शन देखें तो ग्लोबुलिन का जो फंक्शन है ये क्या हो गया ये डिफेंस प्रोटीन है ठीक है जो होता है ये हमारे डिफेंस में हेल्प करता है डिफेंस मतलब ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव प्रोटीन है ये कैसा होता है ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन मीन्स यदि हम देखें तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं बेटा कॉमनली इसे इम्यूनोग्लोबिल्स कहते हैं क्या कहते हैं इसे जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? अब इम्यूनोग्लोबल जो है ये अल्फा और बीटा टाइप के इम्यूनोग्लोबल होते हैं ठीक है थीके? तो अल्फा और बीटा तो हमको पढ़ना भी नहीं है इसमें अगेन एक टाइप होता है जिसे गामा टाइप कहते हैं जो गामा टाइप होता है तो इसमें जो इम्यूनोग्लोबुल जो होते हैं आईजीजी होता है आईजीडी होता है उसी के साथ साथ आईजीएम होता है आईजीए होता है और आईजीई ई होता है तो ये बेटा जितने भी सारे टाइप के आप लोगों को इम्यूनोग्लोबलिन यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं ना ये सारे टाइप जो है बेटा हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे ट्वेल्थ में वहाँ पर हम study करने वाले हैं। तो इसमें देखो जो जो होता है है बेटा, ये only एक ऐसा जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है किसे प्लेसेंटा को करता है? ठीक है एलर्जी के रिस्पॉन्स में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो काम करेगा वो कौन सा बेटा आईजीई है हमारे सलाइवा में जो होता है वो आईजीए है ऐसे ये टाइप्स होते हैं बेटा मतलब जो हमारे बॉडी को क्या कर रहे हैं प्रोटेक्शंस दे रहे हैं एक प्रकार से समझ में आया तो इस तरह से यहां पे ये क्या हो गए इम्यूनोग्लोबिलेंस हो गए ठीक प्रोथ्रोमिन भी पढ़ेंगे बेटा ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो प्रोथ्रोमिन जो होता है और फाइब्रिनोजन ठीक है कौन कौन सा एक तो प्रोथ्रोमिन और दूसरा फाइब्रिनोजन जो है दोनों का रोल क्या है बेटा ये हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड कोएगुलेशन जो होता है ठीक है क्या चीज हमारा ब्लड का को एगुलेशन जो होता है इसमें हेल्प करते हैं फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम भी इसमें आता है सभी का स्पेशल इम्पोर्टेंट रोल होता है समझा क्लियर हुआ किसी को कुछ पूछना है क्विकली एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्या बताया मैंने यहां पे मैंने पे अभी आप लोगों को फिलहाल लास्ट पोर्सन जो एक्सप्लेन किया हूं उसमें मैंने आप लोगों को बताया बेटा प्लाज्मा और सेल्स प्लाज्मा में जो प्रोटीन है एल्बोमिन ग्लोबलिन फाइब्रीनोजन के फंक्शन एल्बुल होता है ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करेगा के कुछ टाइप्स जो प्रोटीन होता है जो इम्यूनोग्लोब कहते हैं जिसे जो हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फाइब्रीनोजन जो है हमारे ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो प्रोटीन होता है वो एल्बोमिन है सबसे लोवेस्ट में जो होता है वो फाइब्रिनोजन है ओके बेटा क्लियर हो गया ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि बोर्ड से नहीं पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रहा मिथिला साहिल, साक्षी रिस्पॉन्स करेंगे फाइव टू तो सिक्स स्टूडेंट गायब हो गए बेटा आर्यन अदिति आदित्य क्लियर हुआ ऐसा फील तो नहीं आया ना कि बोर्ड से नहीं हुआ तो हमें समझा नहीं ऐसा तो नहीं है कोई भी कोशिश क्यों बेटा मैंने अपने लेवल पे कि आपको बेस से बेस दू आगे ऑल क्लियर समझ आ रहा है वेरी गुड बेटा चलो बहुत बढ़िया चलो तो अल्टीमेटली फाइनली यहां पे आज का जो मेन पोर्शन था अभी कुछ और देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें हमने देखे यहाँ पे गैस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है फिर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक्सक्रीशन मतलब जैसे बेटा यूरिन की हेल्प से क्या कह सकते हैं हम लोग जो मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया जो होता है ठीक है यूरिया जो होता है उसको बॉडी से रिमूव कर रहा है तो ब्लड की हेल्प से ही किडनी तक के पहुंचेगा ठीक है किसी का डाउट आया था ये फिर इसी तरह से हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है साथ ही साथ बेटा हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है फिर ब्लड के कम्पोजिशन देखे थे हमने ये भी थोड़ी देर पहले देखे उसके पहले यहाँ पे हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स देखे टाइप्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े बेटा ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन में क्या होता है बेटा ऑर्गन जो होते हैं ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं क्लोज में ऑर्गन डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं होते यहाँ पे क्लोज वेसल्स का एक नेटवर्क होता है ट्यूबवेलर नेटवर्क जिसके हेल्प से ब्लड का फ्लो होगा समझे एग्जाम्पल हमने देखे और मोलुस्का जिसमें क्या देखे हम लोगों ने ओपन के देखे क्लोज में हमने एनिटा और वर्टिव का देखे बेटा अदिति मैंने आपको अनम्यूट एक्सेस दिया हूं आपका हैंड रेज हुआ है फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखे जिसमें ब्लड वेसल्स हार्ट और ब्लड होता है इसमें इसका स्टडी करना क्या कहलाता है वो मैंने बताया आपको ठीक है ब्लड का कलर वॉल्यूम पीएच ये हमने समझे और अल्टीमेटली लास्ट नहीं करा सकता ठीक है या फिर से आपको वही चीज देखना है या दिखाना है तो वो पॉसिबल नहीं है बट ये वाले लेक्चर्स में जितना भी पढ़ाया पूरा स्लाइड को हम एक छोटे से व्यू में ओवरव्यू कर सकते हैं और इसका आपको एज इट इज कलरफुल प्रिंटेड डिजिटल भी आपको मिलेंगे और ये सारी चीजें इसका भी एक अपना एक अपना एडवांटेज है ठीक यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो फेस के थ्रू देखना है तो नीचे तो आपको already, मेरा आपको दिखाई दे रहा है आपको थोड़े बड़े व्यू में दिखूंगा ठीक तो बॉडी लैंग्वेज भी आपको दिखाई देती है ओके हेलो तो फाइनली आज का जो मेन पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है आगे का पोर्सन नेक्स्ट इसमें देखते हैं रेली बेटा क्या एक्सप्लेन करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ सीओ टू हाँ बेटा रेली अभी मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सी टू जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा ठीक बाकी लोगों को एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकते हैं बेटा लीव कर सकते हो आप लोग क्लास देखिए बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ सी टू की हम बात करें तो सीयू टू का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये तीन तरीके से होता है अब तीन तरीके से कैसे होता है पहली चीज तो यहां पे हम लोग देखे तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा के फॉर्म में तो इसको कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट इस तरह से जो होता है वो ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है साथ ही साथ यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे प्लाज्मा में ये डिजॉल्व हो जाता है ठीक है तो प्लाज्मा में जो डिजॉल्व होता है वो फाइव से लेके सेवन परसेंट होता है तो बट प्लाज्मा में कैसे डिजॉल्व होगा तो प्लाज्मा में ये जो डिजॉल्व होगा तो ये कैसे होगा बेटा तो प्लाज्मा में जब जाता है तो ये वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा एस में एस टू सीओ थ्री में कन्वर्ट होने के बाद फाइनली फिर ये आगे चल के क्या होगा एस सीओ थ्री माइनस और एच प्लस में डिसोसिएट हो जाता है बट ये चीज प्लाज्मा में बेटा ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्लोली होती है क्यों क्योंकि यहां पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है लेकिन यही प्रोसेस यदि यह हम देखें आरबीसी में तो आरबीसी में भी सेम प्रोसेस होता है क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में जाएगा तो आरबीसी में जाने के बाद भी बेटा एस टू और सीओ टू आपस में रिएक्ट करेंगे रिएक्ट करने के बाद एस टू सीओ थ्री बनेगा और उसके बाद ये एस सीओ थ्री माइनस और H+ प्लस में और यही प्रोसेस हम देखे आरबीसी में तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है क्यों फास्ट होता है जानते हो इसका रीजन ये है कि यहां पे एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम तो इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है समझा बेटा रेली हेलो अब देखो यहां ये जो प्रोसेस जो हो रहा है तो अब देखो यहां पे क्या हुआ ये टिश्यू है ये हमारा ब्लड वेसल्स है ठीक है तो यहां से ये टीशू से कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से ब्लड वेसल्स में आया आरबीसी के अंदर गया ये प्रोसेस हुआ आरबीसी से बाहर आया तो इसको बाहर लाना है तो क्या एस थ्री माइनस बाहर आएगा तो इसको यहां से बाहर निकालना है तो इसके अंदर हमको कुछ भेजना पड़ेगा तो क्या भेजना पड़ेगा क्लोराइड तो इसको क्या बोलते बेटा क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म बोलेंगे ठीक है इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम क्या है हैमबर्गर इसलिए इसको हेम्बर्गर फिनोमिना बोलते हैं ओके रेली समझ में आया बेटा अब इसमें और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अब एक बार पढ़ के देखना और इसके पहले मैंने जो बताया और रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो देख लो आज की रिकॉर्डिंग फिर से एक बार देख लेना कुछ पूछना रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो ये कंसेप्ट इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें चलो ओके वेरी गुड रेली समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है चलो तो फाइनली बाइकार्बोनेट बेटा जब आरबीसी में या फिर प्लाज्मा में सी जो है एस टू के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोनिक एसिड बनेगा और वही चल के बाइ कार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है ऐसा बनता है ओके okay, रेली really? समझा और कुछ पूछना है क्लियर चलो वेरी गुड चलो तो बेटा मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बाय बाय। ओके okay, आप लोग वैसे टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर लिए हो नहीं किए होंगे बेटा तो ये टेलीग्राम का एक ग्रुप है और साथ ही साथ एक और ग्रुप है नीट अंडरस्कोर अपडेट करके जहां पे आपको ऑल स्टडी मटेरियल ठीक है वीडियो और लिंक इंपॉर्टेंट नोट्स एक सिंगल क्लिक पे मिलते हैं ठीक और ये जो लिंक है बेटा इस लिंक पे आप जाओगे तो इस तरह से एक वेब पेज ओपन होता है जहां पे सारे पीडीएफ और वीडियो का लिंक एक सिंगल क्लिक पे सिंपल एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है यदि आप लोगों को एक साल के बाद सेम टॉपिक का स्टडी करना है तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है एक ही जगह पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी और हर पीडीएफ में आपको कुछ इस तरह से लिंक मिलेगा जहां पे आप यूट्यूब से टेलीग्राम से और लेटेस्ट अपडेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो ओके बेटा चलो थैंक यू मिलते फिर बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ थिंक बी गो हैड ब बाय टेक केयर